गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ सरमंदा, स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट इवेस्ट स्टूडेंट। इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट वर्क ऑफ सेन, संत लोगों के क्या क्या काम थे और संत लोगों ने क्या क्या काम किया था महाराष्ट्र में, इन बारे में हम लर्न कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और आपकी एग्जाम भी होती है, फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने भी क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। संत ज्ञानेश्वर ऐसे ही संत नहीं बने, लेकिन उनको संत बनने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए, ये हम देखेंगे इस लेसन में। सो लेट स्टार्ट टुडेस लेक्चर। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर्स फैमिली बिलोंग टू अपेगांव। स्टूडेंट, संत ज्ञानेश्वर की फैमिली कहाँ की थी? अपेगांव की। निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव वेर हिज ब्रदर। निवृत्तिनाथ और सोपानदेव ये संत ज्ञानेश्वर के भाई थे। कौन थे भाई? निवृत्तिनाथ और सोपानदेव। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर। मुक्ताबाई कौन थी? सिस्टर थी। किसकी? संत ज्ञानेश्वर की। बिगोटेड मैन ऑफ द टाइम यूज टू लुक डाउन अपॉन दिस चिल्ड्रन बिकॉज दे वेर द ऑफरिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए सन्यासी। और ये किसके बच्चे थे? सन्यासी के बच्चे थे। इट हैपेंस लाइक दिस, देयर फादर, ऐसा हुआ था, देयर फादर टुक सन्यास एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। फादर ने सन्यास लिया और अपनी जो जीवन थी, जो लाइफ की जो जीवन थे, उसमें उसने रिटायरमेंट ली और वो सन्यासी बनने गए। एज ए सन्यासी ही लेफ्ट होम, सन्यासी बनने गए तो उनको सन्यासी बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बट लेटर ऑन ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु, फिर उनके गुरु ने संत ज्ञानेश्वर के फादर को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ। संत ज्ञानेश्वर के फादर थे, वो सन्यास करने के लिए गए, बराबर उन्होंने घर बार छोड़ के सन्यास बनने गए। फिर उनके गुरु ने कहा कि आप वापस घर जाओ क्योंकि आपके वाइफ, आपके बच्चे आपके इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, ऐसे गुरु ने कहा। इसी कारण संत ज्ञानेश्वर के फादर घर पे लौट आए। देयर फोर चिल्ड्रन वेर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स। कितने बच्चे पैदा हुए थे? चार। द नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर डिड नॉट थिंक इट राइट दैट अ सन्यासी शुड हैव अ चिल्ड्रन। और जो अंधविश्वास लोग थे ना, जो नैरो माइंडेड लोग थे, उन्होंने कहा कि सन्यासी लोगों को बच्चे नहीं होने चाहिए, जो सन्यास लेते हैं उनको बच्चे नहीं होने चाहिए। ऐसे जो अंधविश्वास पे विश्वास रखने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा कहा। पीपल परसुएट दिस चिल्ड्रन एंड बैनिश देम फ्रॉम द कम्युनिटी। और उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को तकलीफ देना चालू किया और उनको अपने कम्युनिटी की, यानी कि जो ब्राह्मण थे, उनके कम्युनिटी से हटा दिया उन बच्चों को। किसको? संत ज्ञानेश्वर को, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई, ये चार जन को। संत ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। संत ज्ञानेश्वर टाउन में बेगिंग यानी कि भिक्षा मांगने के लिए गए। अलम्स मीन्स भिक्षा। बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। और संत ज्ञानेश्वर को किसी ने भी, संत ज्ञानेश्वर को भिक्षा नहीं दी, किसी ने भी संत ज्ञानेश्वर को भिक्षा नहीं दी। ही हैड टू लिसन टू द लैंग्वेज, अब्यूज लैंग्वेज इंस्टेड। और संत ज्ञानेश्वर को लोग
गाली देते थे, अब्यूज करने लगे, भिक्षा नहीं दी लेकिन लोग उनको कुछ गाली देने लगे। यंत ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेंट बाय दिस इंसिडेंट, और यंग ज्ञानेश्वर को ये सब बात सुन के उनको बहुत ही दुख हुआ। ही रिटर्न हीज हर्ट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट। फिर संत ज्ञानेश्वर अपने वापिस झोपड़े में चले गए और ए हम और खुद को वह कमरे में बंद किया क्योंकि उनको बहुत ही दुख हुआ था इसी कारण। ये बात मुक्ताबाई ने देख ली कि संत ज्ञानेश्वर आए, अपने खुद को लॉक किया, लेकिन क्यों लॉक किया संत ज्ञानेश्वर ने, क्योंकि वो बहुत ही दुखी हुए थे। मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर, फिर मुक्ताबाई वहाँ पे आई और डोर को नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को। शी सेड, मुक्ताबाई ने कहा, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, क्या कहा ज्ञानेश्वर, दरवाजा खोलिए। हाउ कैन वी रिमेन ड्राउन इन आर ओन सॉरो, हम अपने ही दुख में क्यों दुखी हुए, ऐसा क्वेश्चन मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर से किया, हम अपने ही दुख में क्यों दुखी हुए। हु विल देम लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम अपने ही दुख को लेके दुखी होने लगे तो ये सारे संसार के लोगों को कौन देखेगा, ऐसा मुक्ताबाई ने संत ज्ञानेश्वर को कहा। अगर हम अपने ही दुख को लेके दुखी होने लगे तो इस सारे संसार के लोगों को कौन देखेगा। दिस वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर, और यही शब्द अपने बहन के यानी कि ज्ञानेश्वर के बहन के मुक्ताबाई के यही शब्द उन्होंने एक न्यू उजाला होने लगा, न्यू होप आने लगा किसको, संत ज्ञानेश्वर को। ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सैरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क, संत ज्ञानेश्वर को जो अपना दुख था वो भूल गए और जो काम है वो करने लगे। एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वेयर बींग ऑपरेस इन द नेम ऑफ द रिलीजन, और संत ज्ञानेश्वर जो भी दुखी थे वो भी नीचे काश के थे लोग ने धर्म से प्रसार करने लगे। ज्ञानेश्वर वेंड अमंग द पीपल एंड थॉट देम टू हैव अ फेथ इन गॉड, ज्ञानेश्वर लोगों के बीच जाने लगे और कहने लगे कि भगवान के ऊपर भरोसा कर रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दो, सब एक ही है, ऐसे लोगों को कहने लगे। हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अले देयर मिशरी, और लोगों को एक दूसरे को मदद करो जो तकलीफ में है, जो तकलीफ में है तभी एक दूसरे को मदद करो, इसे संत ज्ञानेश्वर ने लोगों में ये बातें फैलाई। ज्ञानेश्वर वर्ड्स आर हियर इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 ईयर्स, पिछले 700 साल से यही शब्द महाराष्ट्र के हर एक कोने कोने में जाके कहने लगे हैं। इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक, और यही लोग उन्होंने संस्कृत बुक लिखी थी। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल इन एवरी डे यूज वॉज मराठी, और वो लैंग्वेज कौन सी यूज थी, एवरी वॉज इन कौन से बोले जाते थे, मराठी। ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी, संस्कृत के बुक्स थे लेकिन संस्कृत की भाषा समझने के लिए भी संत ज्ञानेश्वर ने एक बुक लिखी, वो बुक कौन से लैंग्वेज में लिखी थी, मराठी में, और उस बुक का नाम क्या था, ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है ज्ञानेश्वरी, और वो लैंग्वेज मराठी में लिखी हुई है संत ज्ञानेश्वर ने। ही दस ओपन
वाइड फॉर हिज पीपल द डोर्स ऑफ नॉलेज वेयर ही प्रीच द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन। और सारी जगह में वो संत नानी जो बोलने लगे कि सब एक है और सब भाईचारे से रहना चाहिए। एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत ही जल्द, एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि। संत ज्ञानेश्वर ने बहुत ही कम उम्र में समाधि ली, कहाँ ली, आलंदी में। और ये कहाँ पे आलंदी, नियर पुणे। दैट इज पुट हिमसेल्फ इन ए ट्रांस फ्रॉम हिज विच ही नेवर केम आउट। एक गुफा में संत ज्ञानेश्वर चले गए और वहाँ पे उन्होंने समाधि ली, वापिस नहीं आए, बहुत ही कम उम्र में। इवन टुडे ऑन द 11th डे ऑफ अष्ट एंड कार्तिक लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स गो टू आलंदी पंडरी विद डिवोशन। और बहुत सारे भक्त जन लोग आलंदी और पंडरी में जाते हैं संत ज्ञानेश्वर के दर्शन लेने। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड अबाउट संत ज्ञानेश्वर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट संत एकनाथ एंड संत तुकाराम। सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ।